हेलो, ठेका किस तरफ है यार? मजा आया यार, क्या हाल चाल आप सभी के? अरे यार, हंसते रहा करो। कुछ ऐसे लोग जिनके जुगाड़ देखकर आपका सर घूम जाएगा, और कुछ ऐसे जिनकी बेवकूफियां अलग लेवल की हैं, उनको देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको, ज्यादा टाइम का चप्पू नहीं चलाएंगे, बढ़ते हैं सीधा वीडियो की ओर। तो चलो यार, सबसे पहले एक महान सा बंदा देख लेते हैं। ये मतलब कि बोरियों को उठाकर जा रहा था, और इसने देसी जुगाड़ भी हाथ में पकड़ रखा था। एक भाई ने कहा कि इसमें लाद कर लेकर जाओ, लेकिन नहीं, ये तो भाई अपनी गाड़ी में ही माल को लोड करके हाथ में उठाकर चल दिया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यार ये मिस्त्री कितना तेजस्वी है, ये वही मिस्त्री है जिसने ताजमहल बनवाया था। जब शाहजहां ने सबके हाथ कटवाए थे, तब ये मिस्त्री पीछे से छिपकर भाग गया था, और भाई साहब आज ये अंजाम दे रहे हैं, मतलब कि कारागिरी दिखा रहे हैं उल्टे हो करके। मजा आया। अगर सभी तेजस्वी बंदों की बात हो ही रही है, तो ये बंदा भी कैसे पीछे रह सकता था। सैलून वाले ने सैड से गाने लगा रखे थे, लेकिन तभी बाल कटवाते कटवाते ये भाई साहब बिल्कुल रोने लग गए। भाई मुझे तो लगता है कि इसको इसकी सेटिंग छोड़कर जा चुकी है, जिसके बाद इसका ये हालत हो गया है। हाय हाय भाई, इतना दुख तो भाई इसे तब नहीं हुआ था जब इसकी कोई चड्डी उठाकर ले गया था, और आज देखो गाने को सुनकर कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं। भाई इसका तो दिल बिल्कुल कांच की तरह टूट चुका है मेरे हिसाब से। अगर सीधे सीधे अपनी भाषा में बोलूं, तो ये प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है। तो चलो, अब प्यार में पागल लोगों की बात हो ही रही है, तो ये बंदा पीछे कैसे रह सकता था। ये तो गटर में घुस गया अपनी सेटिंग से बात करने के लिए, क्योंकि अपने घर में जब ये अपनी सेटिंग से बात करता था, तो इसके माँ बाप इसके पिछवाड़े पे लात मार देते थे। तभी भाई साहब ने सुनसान रास्ते पर एक गटर ढूंढ लिया, जिसमें वो बैठकर दिन रात अपनी सेटिंग से बातें करता है, क्योंकि भाई साहब का दिमाग बहुत ही तेज है। चिड़िया दाना भी चुग जाए और कुत्ता भी ना भौंके, मतलब कि इसकी बात भी हो जाए और किसी को पता तक ना चले। अब ये दो आंटियां शायद पहली बार लिफ्ट पे चढ़ी थी, लेकिन तभी इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। यह मतलब कि पीछे को चल रही थी मेरे हिसाब से, तभी वो लिफ्ट पर ही उल्टी हो जाती हैं। अगर अपनी देसी भाषा में बोलूं, तो लिफ्ट में ही उनकी तारा रारा हो गई तारा रारा। यह बंदा काम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, तभी इसने ये सोचा कि काम भी ना करना पड़े और पैसा भी आ जाए। और तभी भाई साहब ने अपनी बाजू को काट डाला ताकि वो भीख मांग सके, लेकिन तभी जो हुआ आपने देख ही लिया। और सारा भांडा फूटने पर भाई साहब खुश देखो कैसे हो रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल वीडियो कॉल की हो इससे। यार कुछ लोग दारू पीते हैं और सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दारू भाई सर पर चढ़ जाती है, यानी दारू का नशा सिर के ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा ही हुआ इस गंजी खोपड़ी वाले बंदे के साथ। अरे खोपड़ी को छोड़ो, इसकी हरकतें कैसी हैं, यानी कि ये अपने साइकिल पर ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहे, मतलब बैठ नहीं पा रहे, और भाई साहब जी सड़क पर ऐसे गिर रहे हैं जैसे कि फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल गिरता है। पता नहीं भाई साहब ने एक दो बोतलें एक साथ पी ली होंगी, तभी भाई साहब के ये हालात हो चुके हैं। एक गांव में रहता था एक तेज खोपड़ी वाला बंदा, उसके पास स्प्लेंडर बाइक नहीं थी, एक भैंस थी। तभी उसने एक दिमाग लगाया और स्प्लेंडर का हेड को उखाड़ कर गौ के हेड पर लगा दिया, मतलब कि भैंस के हेड पर लगा दिया। और तभी भाई साहब की तेज धुरंधर बाइक तैयार हो जाती है, जिसमें कि भाई पेट्रोल नहीं पड़ता, फ्री चलती है सिर्फ चारे पर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जैसे जैसे भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो यही लगता है कि यही जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, एक भैंस ढूंढनी पड़ेगी और एक कवाड़ वाले के पास स्प्लेंडर बाइक। लेकिन यार ये वाला जुगाड़ आप ट्राई मत करना, क्योंकि अगर सभी ट्राई करने लग जाएंगे तो भाई बात नहीं बनेगी। कोई ट्राई मत करना, सिर्फ मैं करूंगा, तुम्हारा भाई बनेगा सबसे अमीर। बड़ा हरामी हो बेटा। तो चलो अब इस तेजस्वी बंदे को भी देख लेते हैं। इसके पास शायद घोड़ा था, पता नहीं क्या था, मुझे तो घोड़ा ही लगा। तभी इस बंदे ने अपना पजामा खोलकर इस घोड़े को पहना दिया, और भाई जुगाड़ ऐसा बिठाया कि कभी पजामा ना खुल सके, यानी कि पूरी की पूरी जंजीर बांध दी यार, ताकि पजामा ना खुल सके। अब क्या ही बोलूं भाई, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, बेचारे जानवरों का जीना हराम कर देंगे ये लोग। अब बिन भाई साहब को नहर पार करने के लिए कोई भी पुल नहीं मिला, तभी इन्होंने अपना तेज दिमाग चलाया और पाइप का सहारा ले लिया। लेकिन भाई साहब ने ये नहीं सोचा कि अगर नीचे गिर गया तो मेरी हड्डी पसली एक हो सकती है। तभी भाई साहब का बैलेंस बिगड़ जाता है, और भाई साहब पापा के परे के जैसे उड़ते हुए गिर जाते हैं। अरे आगे नहीं दिखाऊंगा, भाई साहब बहुत बुरी तरह गिरे हैं और हड्डी पसली एक हो चुकी है।
दोस्तों आपने मच्छर भगाने वाली मशीन लगाई होगी ताकि मच्छर भाग जाएं, लेकिन अगर मच्छर भाग गए तो वो वापस भी तो आ सकते हैं। तभी एक बंदे ने अपना तेज सा दिमाग चलाया और मशीन में लगा दी दारू की बोतल ताकि मच्छर पूरी तरह से नशे में हो जाएं और पूरी रात सोते रहें, हम भी सोते रहें, मच्छर भी सोते रहें, यानी कि हम भी खुश और मच्छर भी खुश, बिल्कुल नशे में, टन टना टन टन। मज़ा आया। तो चलो यार, उम्मीद गई तेल लेने। मुझे पता है कि आज की वीडियो को देखकर आपको बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि मैंने भाई बवंडर ला दिया है। हंसते रहा करो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको, मिलते हैं नई वीडियो में।